अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया एशिया कप की चैंपियन बने तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश ने मैच तो नहीं होने दिया, लेकिन वो हमारे हौसलों को तोड़ नहीं पाया। जहां मूसलाधार बारिश के बावजूद जब टीम इंडिया को विजेता घोषित किया तो पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मच गया। तो आखिर कैसे बारिश के बावजूद टीम इंडिया ने दिखाया पाकिस्तान को आईना, कैसे टीम इंडिया ने मारी है इस महामुकाबले में बाजी, कैसे हुआ ये चमत्कार, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन था भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो, रोहित गेल या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और जब कोलंबो के मैदान पर यह मुकाबला शुरू हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान को इतना बुरा हाल करेगी। पाकिस्तान ने पहले हमें बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जहां उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए रोहित ने शाहीन अफरीदी का स्वागत ही तूफानी छक्के से किया, तो शुभमन गिल की क्या ही बात की जाए। वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने शाहीन अफरीदी को लगातार दो ओवरों में एक के बाद एक थप्पड़ की तरह छह चौके चढ़ दिए। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि कब भारतीय टीम ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया पता ही नहीं चला। तो फिर उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए कप्तान रोहित ने तो अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाज का करियर ही समाप्त कर दिया। शादाब खान की लगातार दो गेंद पर दो छक्के जड़कर उन्होंने न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि शुभमन गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। हालांकि उसके बाद कप्तान रोहित एक खराब शॉट खेलकर वापस लौट गए। उन्होंने छह चौकों और चार खतरनाक छक्कों की बदौलत 56 रन बनाए, तो वहीं उनके साथ ही गिल भी 52 गेंदों पर 10 चौकों की बदौलत 58 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए विराट कोहली और केएल राहुल की जोड़ी मैदान में मौजूद थी। उन्होंने 24 ओवरों में टीम इंडिया को 147 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां से भारतीय टीम एक विशालकाय स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था, मूसलाधार बारिश ने दस्तक दे दी। हालांकि बारिश बंद हो गई लेकिन मुकाबला फिर भी शुरू नहीं हो सका, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और अंत में मैच को रद्द करना पड़ गया, जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ दिया। हर तरफ केवल निराशा थी, लेकिन अब भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, क्योंकि मैच रद्द होने के बावजूद भी टीम इंडिया को विजेता घोषित कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, घमंड में चूर पाकिस्तानी टीम ये सोच रही थी कि उनके गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों को आसानी से ढेर कर सकते हैं, लेकिन रोहित और गिल ने उनकी इस गलत फहमी को बहुत दूर कर दिया और उनके सबसे बड़े गेंदबाज शाहीन अफरीदी से लेकर नसीम शाह और 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले हादी श्रॉफ को भी बड़ी बेरहमी से पीटा। 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप बन गई, और अब जब इनका विकेट गिरा तो वो भी गेंदबाजों का कमाल नहीं था, बल्कि रोहित और गिल तो अपने विकेट फेंक कर आए थे। यानी कि पाकिस्तान के आत्मसम्मान को हमने बहुत गहरी चोट पहुंचाई, और जब वो दोबारा हमारे सामने उतरेंगे तो अब दोबारा से उनका और भी बुरा हाल करेंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये टीम इंडिया की ही जीत है, क्योंकि मेंटली हमने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिजर्व डे के दिन टीम इंडिया पाकिस्तान को पूरी तरह से हराने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।